यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ मॉड्यूल्स अब पाइथन के प्री डिफाइंड रहते हैं, कुछ अब हम अपने मॉड्यूल्स इसमें बनाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं व्हाट इज लाइब्रेरी, एग्जैक्टली लाइब्रेरी होती क्या है एंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं और उस मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या रहते हैं। एनी आइडिया किसी को, एनी आइडिया व्हाट इज लाइब्रेरीज? लाइब्रेरीज में मैम डिफरेंट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं रहते एक्चुअली। लाइब्रेरीज क्या होती है, लाइब्रेरीज वी कैन सिंपली से अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ओके, सो लाइब्रेरी की डेफिनेशन यदि हम देखें, लाइब्रेरी व्हाट इज लाइब्रेरी, ओके सो इट रिफर्स कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, इट रिफर्स कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स दैट टुगेदर टुगेदर कैटर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड्स और एप्लीकेशन। ठीक है, लाइब्रेरीज क्या होती है बेसिकली, लाइब्रेरीज हम लोग लाइब्रेरीज में क्या रहते हैं, कलेक्शन ऑफ बहुत सारे मॉड्यूल्स रहते हैं एंड मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या रहता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल्स हमने कुछ कुछ यूज़ भी करे हैं, जैसे किंटर यूज़ करते हैं, टीके इंटर बोलते हैं जिसको, और बहुत सारे मॉड्यूल्स यूज़ करें, मैथ के मॉड्यूल्स यूज़ करें। ठीक है, इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम, तो हमने और कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज़ करें, ठीक है, इस लाइब्रेरीज के कुछ टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, ठीक है, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, सेकंड इज नंपाई लाइब्रेरी, थर्ड इज इंटर, और कोई एक और हमने यूज किया था फिर बता सकता है, एक यूज किया है हमने, मैटप्लॉट, ये हम लोगों ने यूज किया था मैटप्लॉट। मैटप्लॉट लाइब्रेरी कहाँ यूज किया था हमने, ये क्या क्या डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, दिस इज अ सम लाइब्रेरीज। ठीक है, इसके अंदर क्या रहते हैं, हमारे मॉड्यूल्स रहते हैं। ओके, सो मॉड्यूल्स बेसिकली क्या होता है, मॉड्यूल्स को समझते हैं पहले, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज मॉड्यूल, कोई मॉड्यूल एक्सप्लेन कर सकता है क्या हो सकता है? मॉड्यूल इज अ सम कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्लासेस एंड मीन्स मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है मॉड्यूल। इज अ वी कैन से छोटे छोटे प्रोग्राम्स को हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, वो एक पर्टिकुलर कोई वर्क कंप्लीट करते हैं। जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो जो भी प्रोजेक्ट होता है वो उसको हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सपोज एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस का, सपोज स्कूल का एक प्रोजेक्ट बनाना है, फाइन, जिसमें एक मॉड्यूल रहेगा कि जिसमें स्टूडेंट्स का डिटेल रहेगा कि प्लस मतलब 11 12th है वो कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं, दूसरा एक मॉड्यूल रहेगा जिसमें टीचर्स का डेटा रहेगा, एक थर्ड मॉड्यूल ये रहेगा जिसमें फीस स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये तीन मॉड्यूल्स पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो प्रोग्रामर्स होते हैं उन पर अलग अलग तीन प्रोग्रामर्स इन तीन मॉड्यूल्स पर वर्क करते हैं, देन लास्ट में क्या करते हैं, उन मॉड्यूल्स को हम लोग मर्ज कर देते हैं, देन एक बड़ा सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो उससे क्या फ़ायदा रहता है मॉड्यूल से, मॉड्यूलेशन से, मॉड्यूल से हम बोल सकते हैं, जिससे ये फ़ायदा रहता है कि हमारी टेस्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है।
ठीक है, रिलायबल रहता है। यदि सपोज मैंने 3 लोगों को दे दिया, आयुष को दे दिया, प्रियांशु को दे दिया, आमिर को, 3 लोगों को मैंने एक एक मॉड्यूल दे दिया, तो आमिर अपने अपने बिहाफ में चेक कर लेगा कि भाई मेरे तो मेरा मॉड्यूल सही वर्क कर रहा है, प्रियांशु अपना चेक कर लेगा और आयुष चेक कर लेगा, फिर तीनों को मर्ज करेंगे तो इसमें डिबगिंग बहुत ईजिली हो सकती है, एरर बहुत ईजिली फाइंड हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके एनी डाउट? नो है ना, ये क्या करता है, हमारा रिड्यूस करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेगा। यदि एक ही बंदा तीनों मॉड्यूल्स पे वर्क करेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, बट यदि एक ही 3 लोग 3 मॉड्यूल्स पे या 3 लोग 4 4 मॉड्यूल्स पे वर्क करें, 2 लोग एक साथ मिलकर एक मॉड्यूल पे वर्क कर रहे हैं, तो इजिली हम अपना सॉफ्टवेयर या अपना एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन मॉड्यूल्स की। द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग, पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम, और इसके अपने खुद के कुछ मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के। ठीक है, प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स भी होते हैं और कुछ यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स भी होते हैं। हम लोग यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स पे भी बनाएंगे, अपने खुद के मॉड्यूल्स भी डिजाइन करेंगे मॉड्यूल्स। इट्स कॉल्ड मॉड्यूलरिटी। ओके, रिड्यूस करता है, देखते हैं, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है हमारी मॉड्यूल्स डिजाइन करते हैं। ठीक है, सेपरेट यूनिट्स इट सेल्फ, मतलब एक अलग ही अपना अलग मॉड्यूल अलग वर्क करेगा सेल्फ। सो मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या आते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स का क्या रहता है, ध्यान से देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स क्या रहता है, स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स क्या रहता है, इसके अंदर हमारा क्या क्या आ सकता है, मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या रहते हैं। एक होता है हमारा डॉक स्ट्रिंग्स, डॉक स्ट्रिंग्स सबको समझ में आता है, डॉक स्ट्रिंग्स क्या होता है, मतलब जैसे डॉक्यूमेंट्स होता है, ट्रिपल कोट्स में हम लोग लिखते हैं, कमांड्स हो गया, दैट इज अ डॉक स्ट्रिंग्स। ठीक है, फर्स्ट इज डॉक स्ट्रिंग्स हो गया, सेकंड वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, जो भी वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड थर्ड इज क्लासेस, क्लासेस ये मॉड्यूल्स के अंदर सब आते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ इज ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट ईयर। एंड फिफ्थ इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सबको पता ही है, स्टेटमेंट्स क्या रहता है, स्टेटमेंट्स, एनी डाउट किसी को। एंड सिक्स्थ इज फंक्शन, मैम आप प्रेजेंट कर दियो किस स्क्रीन। ओह हाँ, किसी ने बोला ही नहीं अभी तक, मैम प्रेजेंट हो ही नहीं रहा। तो बताना चाहिए ना बेटा। ठीक है, यहाँ पर विजिबल है बेटा अब, यस मैम। थैंक यू। ओके एक सेकेंड, फाइन, हाँ मैं सारा एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, लाइब्रेरीज ये दिख रहा है, लाइब्रेरी यस मैम। है ना, इट रिफर्स टू अ कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स दैट टुगेदर एक कोई स्पेसिफिक नीड्स या एप्लीकेशंस को करते हैं। कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स को हम क्या कह सकते हैं, लाइब्रेरीज कह सकते हैं। लाइब्रेरीज हमारी कौन कौन सी होती हैं, 3 4 लाइब्रेरीज जो हम बेसिकली यूज करते हैं, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है पाइथन के अंदर। फर्स्ट इज पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, जिसके अंदर मैथ मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल और कुछ यू आर एल लिब मॉड्यूल करके आते थे, इसमें यू आर एल दिया रहता है वो आ जाएगा। ठीक है, नमपाई लाइब्रेरी रहती है, डिकेंटर लाइब्रेरीज हमने ऑलरेडी यूज किया ही हुआ है, और मैथप्लॉटलिब लाइब्रेरी भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल्स क्या होता है,
दैट ऑफ पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट नोन एज अ मॉड्यूल्स, इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, हमारे कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और हमारा एक सेपरेट यूनिट ऑफ वर्क होता है, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या आता है, फर्स्ट इज डॉकर स्ट्रिंग्स। डॉकर स्ट्रिंग्स में क्या रहता है, कमेंट्स रहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हम लोग बोल सकते हैं, या हमने अपने प्रोग्राम्स का कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाया, तो वो किस में आएगा, हमारा डॉकर स्ट्रिंग्स के अंदर आएगा, फाइन। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स में यूज करते हैं हम लोग, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें रहती हैं, स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस, ठीक है। ये सब क्या रहता है, हमारे एक मॉड्यूल के अंदर डिफाइन रहता है। जैसे हम फंक्शन यूज़ करते हैं, फंक्शन हमने बहुत सारे यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। जैसे बार फंक्शन यूज़ किया था मैथ प्लॉट लिब लाइब्रेरी के अंदर, इम्पोर्ट मैथ प्लॉट लिब, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शंस, फंक्शंस के और मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, डॉकर स्ट्रिंग्स, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस। ओके, इनमें से किसी को कुछ डाउट तो हम लोग रिपीट कर सकते हैं। डॉकर स्ट्रिंग्स बताया ना, जैसे कमेंट्स हो गया, ठीक है। आप अपने, मैंने एक मॉड्यूल तैयार किया है जो मैंने बता दिया, उसमें तीन चार फंक्शंस उसमें बना दिए और उसमें मैंने डॉक्यूमेंटेशन दे दिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन समझ रहे, मतलब वो एक कोड मेरा एक्सप्लेन करेगा। कमेंट्स, हम लोग कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, कि वो मेरी इस कोडिंग को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट मतलब समझ में, डॉक्यूमेंटेशन समझ में, मतलब उस कोडिंग को हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे किसके थ्रू, डॉकर स्ट्रिंग्स में। तो डॉकर स्ट्रिंग्स उसका मतलब पार्ट हो जाएगा मॉड्यूल्स का, ठीक है। ये सपोज एक मैंने मॉड्यूल, अभी हम लोग मॉड्यूल अपना खुद का भी बनाएंगे। मैम वो जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट है और मैम फंक्शन, फंक्शन मैम वो एक के हेडिंग में आ जाएंगे ना मैम, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स अलग चीज़ रहेगी, स्टेटमेंट्स अलग रहेगा, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स अलग रहेंगे, और फंक्शंस भी उसके कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस रहेंगे। फंक्शंस के अंदर हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं। तो फिर ऑब्जेक्ट्स का क्या रहेगा? हाँ, ऑब्जेक्ट्स क्या कहते हैं मैं बताती हूँ। देखो ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा एक बार में, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली देखो, सबसे पहले क्लासेस क्या रहता है, क्लासेस एक रहता है, टेम्पलेट्स कह सकते हैं या ब्लूप्रिंट्स कह सकते हैं भाई। अब ये क्या होता है, देखो क्लासेस क्या रहता है कि जैसे अब एक डेटा है, ठीक है, जैसे हम किसका डेटा लेते हैं, एक बैंक का एक फंक्शन है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। बैंक का एक फंक्शन है, बैंक का एक है ना, बैंक का एक फंक्शन है जिसमें क्या है कि वो क्या करेगा, एक फंक्शन मेरा ये वर्क करेगा कि जो मेरा कस्टमर है उसका अकाउंट नंबर मुझे देगा, एंड और एक है ना, मतलब जैसे एक फंक्शन मैंने बनाया जो मेरा विड्रॉ करेगा पैसा, और मैं अपना डेटा मतलब एंटर करूँगी, अकाउंट नंबर और पासवर्ड लिखूँगी। यदि मैं उस मॉड्यूल को या उस प्रोग्राम को यदि मैं क्लासेस के अंदर बनाती हूँ, तो वो क्लासेस क्या करता है, डेटा और फंक्शन को, डेटा मतलब डेटा क्या रहेगा उसका, मतलब एक बैंक अकाउंट का डेटा क्या रहेगा, उसका अकाउंट नंबर और पासवर्ड, उसका डेटा हो गया। फंक्शन क्या होगा, मतलब मीन्स उसका काम करना, जैसे विड्रॉ करना या मनी डिपॉजिट करना, ये सब क्या होगा, इसके फंक्शंस होंगे। यदि मैं उन दोनों को एक साथ क्लास के अंदर बाइंड कर दूंगी, कर देंगे, तो उससे क्या रहेगा कि हमारा डेटा जो हमारा अकाउंट नंबर है ये, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता या उसको कोई हैक नहीं कर सकता। समझ में आई मेरी बात? नहीं आया, एक मिनट रुको, ठीक है, एक सेकेंड, वेट। मुझे बस एक चीज पूछनी मैम, ऑब्जेक्ट्स और फिर मैम ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल में फर्क क्या रह जाएगा मैम? हाँ मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं इसमें कुछ है क्या। ऑब्जेक्ट्स क्या रहेगा, जो क्लास से हमारी लोड होगी प्रोग्राम के अंदर वो हमारा ऑब्जेक्ट्स कहलाएगा, और जो हम ए इक्वल्स टू इनपुट वेरिएबल लेते हैं उसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं और उसको हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं पाइथन में, ठीक है। जब हम अपनी क्लास को रन करेंगे रैम के अंदर, तो क्लास क्या होगा हमारा, वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा जब क्लास हमारी एग्जिस्ट करने लगेगी रैम में होगी, मतलब एग्जिस्ट मीन्स जब वो रैम के अंदर एग्जीक्यूट होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं मैम कि
मैम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, अब मॉड्यूल में डॉकस्ट्रिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। क्लासेस अलग चीज होती है, ऑब्जेक्ट अलग चीज होती है। यस मैम वही मैम जी। हाँ बोलो बेटा। डॉकस्ट्रिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें मॉड्यूल में रहती है मैम, ऐसा कहना चाहता हूँ। हाँ ये तीन चीजें मॉड्यूल के अंदर रहती है, ठीक है। ये तीन चीजें क्या रहती है, मॉड्यूल के अंदर रहती है। हाँ ये तीन चीजें अलग अलग चीजें, ये है ना लिस्ट, ये सब मॉड्यूल्स के अंदर रहता है। डॉकर स्ट्रिंग्स, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट्स, फंक्शन, ये सब क्या रहता है, मॉड्यूल्स के अंदर रहता है, ठीक है। क्लासेस, ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स हमको पता ही है, जैसे ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये जो स्टेटमेंट्स रहते हैं। फंक्शंस, कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं। वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, ठीक है। एक और चीज हाँ पूछनी बेटा। थी मैम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है प्रोग्रामिंग हाँ लैंग्वेज? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जो पूरी हमारी क्लासेस क्लासेस पे बेस्ड रहती है, जैसे लाइक जावा हो गया, डॉट नेट हो गया। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, मतलब हमारी क्लास के बिना कोई भी प्रोग्राम नहीं बनेगा। समझ में आ रही? क्लासेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लासेस को क्या कर सकते हो आप, बिल्कुल ब्लूप्रिंट है। एक मिनट रुकोगे तो मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे सपोज कहाँ है यहाँ पे, ठीक है, ये सपोज मेरी एक, ठीक है, सपोज ये मेरी एक क्लास है, ठीक है। इसके अंदर मेरे एक, इसके अंदर मेरे एक अपना डेटा टाइप्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, डेटा टाइप नहीं सॉरी, एक मिनट, प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स कह सकते हो, फीचर्स कह सकते हो, इसमें लिखा नहीं जा रहा है अभी, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, हमारा फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को बाइंड करके रखती है, ठीक है, क्लासेस। समझ में आ रही? ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गए, और ये क्या हो गया हमारा, फंक्शंस हो गए। तो क्लासेस क्या करती है, इन दोनों को बाइंड करके रखती है। जब ये पूरी क्लास रन होती है, रैम के अंदर जाती है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। यदि सपोज क्लास नहीं हुई, ठीक है, अब मैं बैंक का एग्जांपल दूं, बैंक में क्या रहेगा, मेरा ये डेटा रहेगा, अकाउंट नंबर और पासवर्ड, और फंक्शंस क्या रहेगा, विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, ये तो हम फंक्शंस करते ही हैं, ठीक है। तो ये यदि अलग अलग होंगे, सपोज ये डेटा कहीं अलग स्टोर है, फंक्शंस कहीं अलग स्टोर है, तो क्या हो सकता है, इसमें हैकिंग ज्यादा हो सकती है। मेरा डेटा डेटा कोई एक्सेस कर सकता है, अकाउंट नंबर पासवर्ड ले सकता है, पर यदि ये दोनों एक साथ बाइंड होंगे क्लास के अंदर, तो उसको हैक करना मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात प्रियांशु? समझ में आया? यस मैम। दिस इज अ क्लास, और क्लास क्या होती है, क्लास को हम क्या कहते हैं, दिस इज अ क्लास, कि जब क्लास रैम के अंदर लोड होती है, व्हेन अ क्लास इज लोडेड इनटू अ रैम, इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट। वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि वो उसका एग्जिस्टेंस बन जाता, एग्जिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। इस क्लास तो हमने क्रिएट कर दी, अब इस प्रोग्राम को रन भी तो करेंगे, एग्जीक्यूट भी तो करेंगे। जब वो एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यदि सिंपल इंग्लिश वर्ड में भी देखा जाए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, रियल एंटिटी, को जो हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है हमारे पर, है ना। तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, है ना। क्लास इज लोडेड इनटू अ रैम, इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया कंसेप्ट? समझ में आया? दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लासेस रहती है ना, तो फिर हम हाँ पाइथन कुछ प्रोग्राम्स में क्लास नहीं बनाते तो मैम उसमें क्या होता है? हाँ उसमें यदि आप पाइथन के कोई प्रोग्राम क्लासेस के बिना भी बना रहे हो, तो उसमें इतना सिक्योरिटी नहीं रहती। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे आप जावा का प्रोग्राम, वो क्या है, फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्लासेस, मतलब ये जावा जो है वो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स उसमें क्लास में बनते हैं। पाइथन जो है फुली ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है क्लासेस ना, तो हम उसमें, हाँ और ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस प्रोवाइड करता मैम वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हाँ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो होगा जी, मतलब बिना क्लासेस के कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते, बिना 2 नंबर को ऐड भी नहीं करवा सकते बिना क्लासेस के। हमें क्लास ऐड करके हमको एक लेना पड़ेगा, है ना। समझ में आया बेटा? क्योंकि सी सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, सिंपल हम लोग एक प्रोग्राम को रन कर देते हैं, क्लासेस भी लेते हैं, बट एक प्रोग्राम को रन करते हैं, तो वो क्या फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है,
बट जावा जो है वो पूरा फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो क्लासेस के बिना कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाता, चाहे वो ऐड का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, कोई भी प्रोग्राम हो। क्लासेस शायद जावा है और एक डॉट नेट भी शायद फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, समझ में आया सबको? इसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हर जगह आ जाता है ये। ठीक है, ठीक है, पाइथन मॉड्यूल्स का इसमें डेफिनेशन लिखिए। भाई मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं? प्रियांशु समझ में आ रहा बेटा? यस मैम। ठीक है, चलो भाई। पाइथन मॉड्यूल्स क्या है? पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल डॉट पी वाई फाइल है कंटेनिंग वेरिएबल्स, क्लास डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स एंड फंक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, ओके। फाइन। अच्छा, इम्पोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम, हम दो तरीके से पाइथन प्रोग्राम्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। ओके, हम इसमें इस एक्सरसाइज मतलब इस ये लाइब्रेरीज वाले में लेसन में हम लोग अपने खुद के भी मॉड्यूल्स तैयार करेंगे। ठीक है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस बनाएंगे, देखेंगे अभी अपन कैसे करते हैं उसको आगे। पहले थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज, ये समझ में आ गया होगा आई होप। मैम क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं? क्या बेटा, थोड़ा तेज बोलो। मैम क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं? क्लास को क्रिएट क्लास कीवर्ड्स के थ्रू ही करते हैं। इसमें देखना पड़ेगा सिंटैक्स कैसा है इसका, पाइथन का देख लेते हैं इसमें बोलते हो तो। ओके, सबका अलग अलग सिंटैक्स रहता है, लॉजिक सेम ही रहता है हर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का। पाइथन क्लासेस, मैम एक और चीज आपने बताई थी मैम, वो एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन और वो। हाँ, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। हाँ, इस तरीके से क्लास क्रिएट किए, वो क्लास माय क्लास एक्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्लास कीवर्ड्स के थ्रू ही हम लोग क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, क्लास के थ्रू। हाँ मैम, माय क्लास के अंदर एक्स इक्वल टू 5 है। हाँ, माई क्लास के अंदर x इक्वल्स टू 5 है, मतलब एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया है। मतलब ये क्या कह सकते हो, प्रॉपर्टीज कह सकते हो, डेटा मेंबर्स है, डेटा टाइप्स कह, डेटा मेंबर्स कह सकते हैं। क्लास के अंदर दो चीज़ें होती है, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am, समझ में आ रहा है ना। हाँ, इनकैप्सुलेशन का क्या बोल रहे हो? इनकैप्सुलेशंस क्या होता है मैं बताती हूँ। दो चीज़ें रहती हैं, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशंस क्या रहता है, जो क्लासेस कैप्सूल कहते हैं ना अपन, कैप्सूल पता ना, वो दो मतलब दो मेडिसिन को मिलके बना रहता है ना, तो इनकैप्सुलेशंस क्या रहता है, मतलब एक ये क्या होता है, फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। ठीक है, जैसे इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। ठीक है, एक आधा कौन सा होता है, पॉलीमॉर्फिजम्स। ठीक है, ये चार पांच चीज़ें क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स होते हैं। फाइन, अब पहला जैसे हम बात करें इनकैप्सुलेशन की, तो इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होता है, जो कि एक क्लास जो कि डेटा मेंबर और फंक्शंस दोनों को होल्ड करके रख सके एक साथ। ठीक है, जैसे अपन सिंपल से कोडिंग देखें, मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, माय क्लास करके। ओके, ये थोड़ा सिंटेक्स मत पे मत जाना, अपन सिर्फ कंसेप्ट पे देखते हैं, क्योंकि सिंटेक्स सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई जो कि अरे यार मैं कैसे लेते हो, एक सी का ही सी प्लस प्लस का बता दूँ, सिंपल था सिंटेक्स उसका, याद है मुझे। जैसे इंट ए ले लिया और बी, ये दो वेरिएबल हमने ले लिए। फाइन, और एक फंक्शन क्रिएट किया, या चलो पाइथन का ही बना देते हैं। जैसे सपोज ए इक्वल्स टू 10 ले लिया एंड बी इक्वल्स टू 20, दो वैल्यूज ले ली।
एक हमने किसके अंदर फंक्शन बना दिया, डेफ एफ यू एन करके फंक्शन इसके अंदर हमने बना दिया, मतलब ये एड नाम का एक फंक्शन बना दिया। फाइन, इस तरीके से बनाते हैं ना फंक्शन, और ये क्या करेगा दो नंबर को ऐड करके दे देगा, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, देन प्रिंट सी। फाइन, ये क्लास हमारी खत्म हो गई। तो ये क्या हुआ, ये नहीं आएगा। फाइन, ये क्या हुआ, मतलब यहाँ ये क्या हो गया हमारा ए और बी क्या हो गया हमारा डेटा मेंबर हो गया, और डेफ एड क्या हो गया हमारा फंक्शन हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है, दोनों डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, मतलब इसको हम क्या कहेंगे डेटा मेंबर। तो क्यों क्यों कहेंगे डेटा मेंबर, इसको वेरिएबल क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि ये किस के अंदर है, क्लास के अंदर है, इसलिए हम इसको डेटा मेंबर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे अपन, एम बी आर मेंबर इफ यू एन सी टी आई एन फंक्शन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे मेंबर फंक्शन, इसको क्या कहेंगे डेटा मेंबर, ये दो चीजें। अब इन दोनों चीजों को एक साथ बाइंड करके करने को क्या कहते हैं हम, इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया क्लास की मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एक फीचर्स हो गए इनकैप्सुलेशन, जिसमें क्या होता है डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस को दोनों को एक साथ बाइंड करना, दैट इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। एंड नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज वेरी इजी, लाइक जैसे आप लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, अपन कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, पाई का, पाई का होता है ना, यानी एसक्यूआरटी का फंक्शन यूज करते हैं। तो एसक्यूआरटी के अंदर क्या हो रहा है हमारा, दो नंबर को मतलब स्क्वायर रूट निकाल के दे रहे हैं, बट हमें कोडिंग नहीं पता, हम सिंपल एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करते हैं। किए किसी ने एसक्यूआरटी फंक्शन, है ना, समझ में आ रही मेरी बात, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, यदि एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन कर लिखें तो ये होती है टू नो द एसेंशियल थिंग विदाउट नो द बैकग्राउंड डिटेल्स। मतलब बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, मतलब कोडिंग के अंदर कैसे कोडिंग करी वो हमें नहीं पता, बट हम सिंपल एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करते हैं और उसको स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। हमें वहाँ कोडिंग तो नहीं देखते ना, हम तो एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करते हैं और निकल जाता है। जैसे लाइक सिंपल एक स्विच बोर्ड की बात करें, स्विच बोर्ड में क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, अंदर क्या कौन सी वायर्स यूज किए वो हमको पता नहीं रहता। दैट इज द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फर्स्ट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, जो भी डेटा मेंबर्स हैं, जो भी डेटाज हैं, वो प्लस मेंबर फंक्शंस जो है उनको आपस में एक दूसरे से बाइंड करके रखता है। यदि हम ये चीजें क्लास के अंदर बनाएंगे तो जो मेरा ए है, ठीक है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, वो मैं बाहर एक्सेस नहीं कर पाऊंगी यदि मैं क्लास के अंदर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो पाइथन में। समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये क्लास के अंदर है, इसके इसका फंक्शन में यूज नहीं कर पाऊंगा। मतलब फंक्शंस समझ में नहीं मेरी बात, मतलब हर बार ये कह रहा है 10 20 को ऐड करके दे रहा है, इसके जो डेटा है उसको मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकती, इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग जो सिक्योरिटी पर्पज से हम लोग क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं कोडिंग में। समझ में आया प्रियांशु, समझ में आया इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, यस मैम, है ना। तो ये है इसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, क्लासेस का सबसे इम्पोर्टेंट। क्यों क्लासेस पे समझा रही हूँ भाई, ऐसे अलग से नहीं कोई कोई टॉपिक लेके बैठ गए, क्लासेस लिए समझा रहे हैं क्योंकि ये मॉड्यूल के अंदर रहते हैं, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर कुछ इनकी क्लासेस भी होती होंगी, कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल होते होते होंगे पाइथन के, उनके उसके अंदर उसकी क्लासेस होती होंगी, ठीक है। उसमें उसके डेटा मेंबर्स हैं, फिर फंक्शंस हैं, उस क्लासेस को कॉल करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स रहते हैं कुछ अलग से। फाइन, समझ में आया सबको, ओके, है ना, ओके। सो ये एक तो सिंपल सा कंसेप्ट था, क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सिंटेक्स एक बार देख लोगे तो क्लास क्रिएट कर सकते हो आप लोग पाइथन में भी। एंड नेक्स्ट इज एक और चीज़ देखते हैं, इम्पोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम्स को मॉड्यूल्स को कैसे इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन, समझ में आ रहा है सबको, किसी को डाउट तो नहीं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उसको ध्यान से समझ लो, बाकी इनकैप्सुलेशन वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट वो इन फ्यूचर, ओके। एनी डाउट, किसी को डाउट है तो रिपीट कर सकते हैं, एनी डाउट, यस मैम, हाँ क्या डाउट है फनेंद्र, डाउट है या नहीं है, डाउट, नो डाउट मैम, मेरा मैम कनेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से थोड़ा छूट गया। अच्छा, क्या नहीं समझ में आया बताओ,
रीसेंट अभी बताएं, रीसेंट अभी ये प्रोग्राम के बात कर रहे हो? इसका बात कर रहे हो? ये कुछ नहीं, ये हमने सिर्फ सिंपल क्लास का एक प्रोग्राम बनाया पाइथन में, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। उस एडिशन में क्या है, जो क्लास के अंदर जो हम वेरिएबल्स लेते हैं, जो डेटा टाइप्स लेते हैं, जैसे ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, इसको हम क्या कहते हैं, डेटा मेंबर्स कहते हैं। और क्लास के अंदर ही कुछ जो फंक्शंस लेते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शंस कहते हैं, फाइन। और ये क्या होता है, इसका मतलब क्लास क्यों बेसिकली डिफाइन होता है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। इसका जो डेटा है वो कोई भी एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते। यदि हमने कोई कुछ कॉन्फिडेंशियल कुछ मतलब ट्रांजेक्शन्स करने हैं, या बैंक अकाउंट का कुछ ट्रांजेक्शन है, जैसे सपोज यूजर का अकाउंट है, यूजर का पासवर्ड है, और वो जैसे एंटर करेगा तो विदड्रॉ हमने एक फंक्शन बना दिया कि वो भाई अपना मनी विदड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट का एक फंक्शन बना दिया, तो वो क्या होगा, वो उसके अकाउंट नंबर और पासवर्ड को कोई भी आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता। क्लास का ये ब्यूटीफुल मतलब कह सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा होता है कंसेप्ट, फाइन। और क्लास क्या होता है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, मतलब एक इमेजिनरी होता है। कब तक इमेजिनरी होता है, जब तक हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। जब हम इसको रैम के अंदर रन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट हमको यदि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल एंटिटीज जो हमें दिख रहा है आसपास, हमारी जो चीजें, दैट इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो क्लास इज इमेजिनरी और ब्लू प्रिंट वी कैन से। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास की डेफिनेशन ये भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टांस, नहीं क्लास इज अ क्लास इज इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट इज अ क्लास इंस्टांस ऑफ, ऐसे ही कुछ कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन यही है, जब क्लास हमारी रैम के अंदर एग्जीक्यूट होती है तो वो क्या बन जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, फाइन। ये क्लास और ऑब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये हमारे मॉड्यूल्स के अंदर आते हैं। तो अब यदि कुछ इसके बारे में डिटेल में और पढ़ना चाहो तो कोई एक मॉड्यूल उठा लो, उसमें देखो कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस है और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। इनिट फंक्शन कोर्स में नहीं है, तुम पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, देख लेना एक बार कोर्स में, ठीक है। मॉड्यूल्स जरूर है कि यूज अपने खुद के मॉड्यूल्स बनाना, ठीक है। कुछ मॉड्यूल्स फिर उसको प्रोग्राम में इंपोर्ट करना, वो भी हम देखेंगे आगे प्रोग्राम, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, खुद के कैसे हम अपने मॉड्यूल्स बना सकते हैं। रैंडम मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंडम मॉड्यूल क्या करते हैं, रैंडमली वैल्यू प्रिंट करके देते हैं, ठीक है। सो एक और देख लेते हैं, एक लास्ट इंपॉर्टिंग, अच्छा किसी को डाउट तो नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ये तो हमको समझ में नहीं आता। बाकी डॉकर स्ट्रिंग्स तो भाई इसमें कमेंट्स आ जाएंगे, जो भी हम डॉक्यूमेंटेशंस करना चाहते हैं। वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट सबको पता ही है क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स की जो लाइन्स होती हैं उसको हम स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। फंक्शंस इसके मॉड्यूल्स के अंदर कुछ इसके प्रीडिफाइंड फंक्शंस भी रहते हैं, ठीक है। तो हम एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा, फंक्शन, ओके, ठीक है। सो एक लास्ट एक ये देख लेते हैं, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन दो तरीके से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज, पहला होता है यदि हमें मॉड्यूल्स के अंदर के जितने भी सारे मॉड्यूल्स के अंदर जो भी फंक्शंस हैं या जो भी हमें सारे करने हो, तो हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों का यूज करते हैं। एक होता है इम्पोर्ट मॉड्यूल 1, 2, 3, इम्पोर्ट द इम्पोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल इम्पोर्ट करने, तो इम्पोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करना, तो इम्पोर्ट सिंटैक्स कह रहेगा इम्पोर्ट मॉड्यूल का नेम, जिससे हम लोग करते हैं इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब, ठीक है। इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम, ठीक है, 1, 2, 3 जितने मर्जी चाहे कॉमा से कर सकते हो। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल इंपोर्ट मैथ प्लॉट लिब, ये मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया एस एम टी, एम टी मतलब एम टी के थ्रू हम लोग उसके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एलाइसिस कहते हैं उसको, एलाइस या एलाइसिस जो भी आप बोलो, ठीक है, समझ में। दिस इज एग्जाम्पल, यदि सारे मॉड्यूल्स
एंटायर मॉड्यूल इंपोर्ट करना हो तो पूरे मतलब मॉड्यूल के अंदर जो जो चीज़ें वो सब इंपोर्ट करनी हो तो ये इसका ये रहता है इम्पोर्ट मैथप्लॉटलिब एज एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज यदि इम्पोर्टिंग सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। ठीक है, इम्पोर्टिंग सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल, सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स को मॉड्यूल का इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए ये कीवर्ड क्या रहते हैं, जैसे फ्रॉम मॉड्यूल, जो मॉड्यूल है इंपोर्ट जो भी ऑब्जेक्ट है उसका। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट, ठीक है, एस एक्स क्यू आर टी भी एस क्यू आर टी इम्पोर्ट कर सकते हैं, कॉमा पावर वाला एक फंक्शन हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं, मतलब मैथ के अंदर हम इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, एस क्यू आर टी को इम्पोर्ट कर रहे हैं, एस क्यू आर फंक्शन को, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, सिंटेक्स क्या रहेगा इसका। ओके, सिंटेक्स रहेगा फ्रॉम इम्पोर्ट फॉर मॉड्यूल इम्पोर्ट ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा फ्रॉम मैथ्स में से इम्पोर्ट कर दो, क्या क्या इम्पोर्ट कर दो, एस क्यू आर टी कर दो, पावर कर दो, पाई वाला कर दो, पाई कर दो, या हम एक ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट एस्ट्रेस। ठीक है, तो जितने जो फंक्शंस जो जो होंगे वो हमारे सारे इम्पोर्ट हो जाएंगे। फाइन, समझ में आया, एनी डाउट? है ना, आगे ना समझ में। तो ये दो चीज़ें दो तरीके से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, जब हमें पूरा सब कुछ इंपोर्ट करना हो, एंटायर मॉड्यूल में सारा कुछ क्लासेस ऑब्जेक्ट्स जो भी है, तो हम इंपोर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल का नेम मैथप्लॉटलिब एस एम टी। एम टी क्या होता है, सिर्फ एलाइसिस देते हैं, एम टी डॉट बार फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसलिए हम इसको दे देते हैं, नहीं तो हर बार हमें मैथप्लॉटलिब डॉट बार फंक्शन या और कौन सा था जो भी फंक्शन थे वो उसको यूज़ करना पड़ता। ठीक है, और यदि हमें कुछ स्पेसिफिक सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स को करना है तो हम लोग फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट एस क्यू आर टी पावर, इस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। फाइन, एनी डाउट किसी को? मॉड्यूल्स, लाइब्रेरी समझ में आ गया, मॉड्यूल समझ में आ गया क्या होता है, एक सिंपल सा ये प्रोग्राम था, इसका सिंटेक्स हम पैथन का उसमें देख लेना किस तरीके से होते, ट्राई कर लेना क्लासेस का कैसे बनता है और इसको यूज़ करके देखेंगे, यदि बोलोगे तो एक आध बना भी लेंगे प्रोग्राम अपन, बट अपना मेन इम्पॉर्टेंट है कि अपने खुद के मॉड्यूल्स बनाना और उसको प्रोग्राम्स में यूज करना, वो हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनी डाउट आज की क्लास में? नो डाउट, फाइन। हाँ, क्या चीज फंक्शन को अपन एक लास्ट नेक्स्ट क्लास में ना उसका प्रोग्राम एक फंक्शन क्लासेस का बना के देख लेंगे, मुझे एक मतलब क्लास जिस दिन क्लास होगी ना उससे मंडे को एक बार सुबह मैसेज कर देना, मैं क्लासेस का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, एक सिंपल सा एक आइडिया हो जाएगा। ओके, एनी डाउट? No doubt. No ma'am. चलो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, आना चाहिए आप लोगों को समझ में, आगे बहुत काम आएगा ये सब चीजें। No doubt. सारे प्रेजेंट है, ठीक है।